वंदे उत्कल जननी। पुण्यभूमि उत्कल 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारीख दिन ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश मान्यता मिलिथिला। उड्र कालिंग उत्कल नामरे नामित ए प्राचीन भूखंड पवित्र भारत भूमि रे निजर एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करि पारिछि। ए प्राचीन भूभाग विषय रे स्कंद पुराण मौर्य युगर कैटोलियंक अर्थशास्त्र एवं कालिदासक रचित महाकाव्य रघुवंश आदि रे वर्णित। एवीर कलिंग प्रदेश तार गारिमारे जणाय किपरि विश्व विजयी सम्राट अशोक चंडाशकुर पलटी जाइथिले धर्माशक। तरबार जय प्रकृत जय नुहे, हृदय जय ही प्रकृत जय चिंता करी बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले सम्राट अशोक। प्राचीन काल रे उत्कल वीर ओडिया पुओ माने नौ वाणिज्य रे जाभा सुमात्रा बर्नियो आदि अंचल को जलपथरे यात्रा करी बहु धन रत्न आणुथिले। 1568 ख्रीष्टाब्दरे राजा मुकुंद देव आफगान शासक सुलेमान कारानिक ठारु परास्त हेबा परे उत्कल प्रदेश रे आरंभ हेला अंधकार रो युग। 1803 मसीहारे ओडिशार शासन भार आसला ब्रिटिश सरकार को उपरे। ओडिशारे ख्रीष्टियान मिशनारी मानकर आधुनिक शिक्षार प्रसार प्रचार घटिला। लोक मुहाइले ख्रीष्ट धर्म आड़क। तेब 1866 मसीहारे ओडिशारे देखा देइथिबा नंक दुर्भिक्षरे लक्ष लक्ष लोकंक प्राणहानि घटिला। यार कराल छा समग्र ओडिशा को श्मशान रे परिणत करि देइथिला। से वर्ष आरंभ हेला कर्मवीर गौरीशंकर रायंकर प्रिंट प्रेस जहा उत्कल दीपिका नामरे नामित करागला। परे नीलमणि विद्या रत्नंक संपादनरे प्रतिष्ठा करागला सांबलपुर हैतेशिनी। दीर्घ 500 वर्ष हेब उत्कल प्रदेश सीमाहीन जातिहीन और भाषाहीन अवस्था रहा पर बहु घात प्रतिघात एप्रिल 1 रे एकत्र होइथला। एथिरे ओडिशार कवि और लेखकर साहित्य साधना अव्याहत रहिथिबारु ओडिया भाषा संस्कृति एक विशाल भूखंड रे तिष्ठि रहिछि। दुर्दशाग्रस्त समय रे ओडिशार स्कूल मानकरु ओडिया भाषा को उठाई दिया जाय बांगला भाषा और बंग प्रदेश ओडिशा को मिश्रण करबा को चक्रम चालिथला। उत्कल गौरव मधुसूदन दास को नेतृत्व रे तथा बहु राजा और जमीदार को सहयोग रे भाषा आंदोलन तीव्रतर होइथला। भाषा भित्तिक स्वतंत्र प्रदेश ओडिशार गठन रे उत्कलमणि गोपबंधु दास व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति महाराज श्री रामचंद्र भंज देव पंडित नीलकंठ दास कविवर राधानाथ राय महाराजा कृष्णचंद्र गजपति देव स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कर्मवीर गौरशंकर राय प्रमुखों अवदान अविस्मरणीय। ब्यूरो रिपोर्ट डुमानी टीवी।